हे गाइस, वेलकम बैक। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वो वर्ड मीनिंग विद द हिंदी मीनिंग बनाए हैं ताकि आप उस पर अच्छी खासा जूम कर सकें। आप जूम करके भी मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपरली ताकि आप उसके स्क्रीन शॉट ले सकें। और आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसके नोट्स का, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस मीनिंग इस जो फाइल है इसको पीडीएफ फॉर्म भी डाउनलोड कर पाएंगे आप। मैं आपको लिंक दे दूंगी वहां पर इसी का, तो आप उसे वहां पर से डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जब जब आपको टाइम मिले व्हेनेवर यू आर यूजिंग फोन तभी इसको 5-5-10-10 इसको याद कर लेना। ये टोटल 100 वर्ड मीनिंग है। हालांकि इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो आपको एग्जैक्टली पहले से भी पता होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता होने ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो अगर सपोज करिए कि अगर मुझे हिंदी सीखनी है तो मुझे हिंदी में आ से आना और ये सब आना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी कुछ बेसिक मीनिंग आपको पता होने चाहिए ताकि आप अच्छे खासे सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सके इजीली। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो था एग्जैक्टली, तो मुझे लगा ये कुछ मैंने फाइंड किए हैं ऐसे वर्ड मीनिंग कि शायद आपको एक जगह इसका कलेक्शन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे बताना अगर आपको और भी ऐसे वर्ड मीनिंग चाहिए जो बेसिकली बहुत बेसिक है और डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आप मुझे बताना। मैं इसकी एक और लिस्ट, वैसे कि हालांकि मैं धीरे धीरे आपको ये याद कराऊंगी, लेकिन एक साथ बहुत सारा नहीं देना चाहती आपको बटन। तो प्लीज इनको तो याद करना ही करना है आपको। मैं आपको दिखाती हूँ वो वर्ड मीनिंग कौन से हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ज्यादा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है तो आप ये मत सोचना ये तो आपको पता ही है। सो कि अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पे पता कर लेना, ठीक है। तो देखिए, मैंने ही शीट सारे सब्जेक्ट मेंशन करने की कोशिश किया। अगर आपको अभी भी लगेगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं इसमें समझ में आया, इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे बताना। सी गाइज, ही शी इट आई यू वी दे होम हुज विच वाई वॉट, सारी WH फैमिली को लेने की कोशिश की है। इसके साथ सारे वर्ड मीनिंग जितने भी एक्शंस होते हैं जो घर में हम यूज करते हैं, एक्शंस का भी मैंने यूज करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि याद करते करते हो सकता है कि एक आध एक्शन मिस हो गया हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में वो भी कवर हो जाएंगे। फिलहाल आप ये नोटिस ये जरूर याद करने की आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉट, हेयर, देयर, वी, अस, वैन, प्ले, वॉक, वॉश, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बर्तन को हम क्या बोलते हैं जो घरों में बर्तन होते हैं। मैंने कोशिश की है कि जो घरों में यूज होने वाले सारे सामान है उनको भी आप एग्जैक्टली उनको आपको पता होना चाहिए कि इसे क्या बोलते हैं। सी गाइस, देखिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो रोक कर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जूम करके मेरा दिखाने का यही है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आसानी से। हालांकि मैं इसका एक PDF लिंक भी सेंड कर दूंगी ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वहां से इसे कॉपी कर सकें या इसका जो PDF फाइल है उसे उठा सकें और आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई इश्यूज ना हो। राइट, सी गाइस, आप देख सकते हैं हिंदी मीनिंग भी करा है मैंने। अगर आपको किसी में कोई भी इश्यूज हो, ये सेल्फ मेरे प्रिपेयर है, तो अगर आपको लगे कि कोई ऐसा है, कुछ हो गया हो, कहीं एक आध स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, तो डोंट माइंड अबाउट दैट। अगर लगे स्पेलिंग ज़्यादा, वैसे हालांकि कोई मिस्टेक होगी नहीं, बट होगी तो फिर भी प्लीज़ यू कैन मैंशन मी कि मैम ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है। काफ़ी साइजेस देखिए, आप देख सकते हैं बेवरेजेस जो होती हैं वो क्या होती है, स्टार्टर क्या होता है। स्टार्टर मैं बता दूँ आपको क्या होता है। आप कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो, अच्छे रेस्टोरेंट में, आप उसका मेन्यू देखते हो तो मेन्यू में स्टार्टर ज़रूर लिखा होता है। स्टार्टर मतलब ये होता है कि आप स्टार्टर जो खाना खाने से पहले कुछ लेना चाहते हैं वो स्टार्टर होता है, उसे स्टार्टर बोलते हैं। इसे हिंदी में भी स्टार्टर ही बोला जाता है, इसलिए मैंने स्टार्टर ही लिखा है। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड था जो जनरली लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे मेंशन किया है। बेवरेजेस बहुत लिखा होता है, बेवरेजेस लिखा जरूर मिलेगा आपको। तो बेवरेजेस का मतलब होता है जो हमारी पीने की चीज़ें होती हैं सारी, उन्हें हम बेवरेजेस बोलते हैं। जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, ये सब बेवरेजेस में आते हैं। राइट, अब ड्रिंक्स मतलब भी वही होता है पीना, तो मैंने साथ में लिखना बार बार नहीं लिखा है। चीज़ मतलब आपको पता ही, क्लैरिफाइड बटर जो घी होता है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि घी जो होता है उसे क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। जो छाछ होती है उसे बटर मिल्क कहते हैं। दही जमाना क्या होता है, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, देखना, ऑफिस जाना, पौधों को पानी देना। सी गाइस, ये दूसरा पेज आप देख सकते हैं, अच्छे से जूम कर देते हैं कि दूसरे पेज में लिखा है वाटरिंग इन द प्लांट, मतलब वाटरिंग, पौधों को पानी देने के लिए वाटरिंग बोलते हैं। कम, पूजा करना, कर्टन्स, मैट, स्पून, बाउल, फॉक, बहुत सारे बर्तनों के नाम नहीं दिए, लेकिन ये जो कॉमन है हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ पर। सी गाइस, ये भी देख सकते हैं आप, लिविंग रूम, बेडरूम, टेरेस, ब्रिंग, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज वो होती हैं जहाँ किराने का सामान मिलता है, ये बहुत अच्छा है। ग्रॉसरीज आप यहाँ पे यूज़ करिए, बहुत किराने का सामान सुना होगा तो उसे ग्रॉसरीज बोलते हैं। एग्जैक्टली, कॉस्मेटिक, हैप्पी, खुश, सैड,
एंड डस्टिंग, धूल झाड़ना, प्लांट्स, पौधे, फ्लावर, टॉयज, मिक्सर. मिक्सर मतलब होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि हम शेक वेक बना देते हैं. और ग्राइंडर वो होता है जिससे हम पीसते हैं, जैसे मसाला जिसमें पिसता है उसे ग्राइंडर बोलते हैं. जूसर मतलब जैसे जूस निकालते हैं. हैंड वॉश तो पता ही आपको, सॉप. बकेट जो होता है, बाल्टी. बास्केट टोकरी होता है. मिरर, कॉम, ब्रश, डोर, ओपन, क्लोज, सिट, स्टैंड, वॉक, इंजॉय, सिंग. ये 100 हैं, ऑलमोस्ट 100 हैं. मैंने मेंशन नहीं किए हैं नंबर्स यहाँ पर, बट ये 100 है. मैं इसका PDF लिंक दूंगी, बट मैं आपको एक बार फिर से जूम करके दिखा देती हूँ. देखिए ये फर्स्ट पेज है, इसमें इतने हैं. अब ये सेकंड पेज पे हम धीरे 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 ऐसे होंगे. देखिए आप ये देख सकते हैं आराम से, मतलब अच्छे से आप इसको देखना. आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा इसको पढ़ने के बाद. इसे समझ में भी आपको आ गए होंगे. अगर आपको लगता है अभी भी ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, मैंने खुद से फाइंड किए हैं ये, जो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट आपको पता ज़रूर होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि घर वाले जो आइटम्स हैं, क्योंकि देखिए घर पर ही हैं आप और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं घर से, और आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा सेंटेंस की फॉर्मेशन में, राइट. तो ये इतने ईजी है, और मतलब इतने ईजी और बेसिक है, और काफी सारे लोगों को ये सब भी पता हो सकते हैं. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बिगनर्स क्लासेस है, मैं काफी ज्यादा एडवांस अभी नहीं कराऊंगी, बट आप कंटिन्यू अगर यहां पर बने रहेंगे और आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इतनी ज्यादा एडवांस इंग्लिश सीख जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा. लेकिन यार बेसिक जो है ना, ये स्ट्रांग करके चलो, क्योंकि अगर इसमें इश्यूज हुए ना आपको, तो ये कंफ्यूजन कभी क्लियर नहीं होने वाला. जैसे कि ऐसा होता है, हालांकि टेंसेस तो बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाते क्लियर, तो ये हमेशा ही आपके साथ रहेगा फिर. बट वो नहीं करना है आपको. तो बेसिक में मैं टाइम लगा रही हूँ आपको, बेसिक चीजें बहुत सारी बता दी जा रही हूँ, क्योंकि एडवांस के टाइम में ये सारी चीजें बार बार क्लियर होना काफी मुश्किल होगा. तो इसीलिए इनको तो आपको करना ही करना है कंफर्मेशन के साथ. डेली आपको 10-10 भी करोगे तो इवन पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल है बहुत सारे. आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही 100 करके ऐसे आपको काफी सारे वर्ड मीनिंग याद करा दूंगी. तो इन्हें जब तक सेकंड वीडियो आए ऐसी वर्ड मीनिंग, तब तक आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना. कोई भी इश्यूज हो तो मुझे बताना. पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू सो मच.